पिताजी बीमार थे, जब सिर्फ उनको पता चला कि मुंबई के हॉस्पिटल में मेरे पिताजी बीमार है, और दूसरे दिन आदरणीय श्रीमती सोनिया जी गांधी पिताजी को मिलने दिल्ली से मुंबई आई थी, ऐसा लग रहा था कि पिताजी सिर्फ उनकी राह देख रहे थे। जब मैडम आके चली गई, उसके दो दिनों के बाद मेरे पिताजी चल बसे। मी शपथ घेतो आज माझ्या वडिलांची की या पलूसकडे गावच्या महाराष्ट्र आणि सांगलीच्या लोकांची साहेबांच्या विचारवर आणि काँग्रेस पक्षाच्या विचार मी सेवा करत राहील। प्रमुख अतिथी हमारे नेता, देश के नेता, और जो आज केवल और केवल महाराष्ट्र की पवित्र भूमि को, छत्रपति शिवाजी महाराज की इस पवित्र भूमि को आज नमन करने के लिए, खास करके आज सांगली की इस पवित्र भूमि को नमन करने के लिए यहाँ पे आए हैं, वो हम सब के नेता, देश के लोकसभा के विरोधी पक्ष नेता आदरणीय राहुल जी गांधी जी यहाँ पे उपस्थित आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, हमारे सबके नेता और जिनके नेतृत्व में आज कांग्रेस पार्टी में हम सब कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे महाराष्ट्र के और देश के नेता आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब यहाँ पे उपस्थित, महाराष्ट्र के ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रभारी केरला और हमारे देश के नेता आदरणीय रमेश चेन्नतला जी यहाँ पे उपस्थित, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय सुशील कुमार शिंदे साहब, हमारे नेता आदरणीय मुकुल वासनिक साहब, हमारे नेता आदरणीय नाना पटोले साहब महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, आदरणीय हमारे नेता बालासाहेब थोरात जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय पृथ्वीराज चव्हाण साहब, और कोल्हापुर के हमारे सांसद आदरणीय छत्रपति शाहू महाराज, राष्ट्रवादी के स्टेट के नेता आदरणीय जयंत पाटिल जी यहाँ पे उपस्थित, आदरणीय सांसद रजनी पाटिल जी यहाँ पे उपस्थित, हमारे सांगली के सांसद विशाल पाटिल जी, बंटी पाटिल जी, और हम सब के बुजुर्ग नेता, सांगली जिला के हमारे नेता आदरणीय मोहनराव कदम दादा उपस्थित, यहाँ पे विरोधी पक्ष नेता आदरणीय विजय वडेट्टीवार जी, आदरणीय नसीम खान साहब, आदरणीय माणिकराव ठाकरे जी उपस्थित, सब सांसद, हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर शिवाजीराव कदम सर, सब सांसद, सब एमएलए, पूर्व मंत्री उपस्थित, भाइयों और बहनों, मुझे बहुत खुशी की बात, मैं बहुत खुश हूं, और ये खुशी की बात है हम सब के लिए कि हम सब के नेता, देश के नेता, जो आज लोकतंत्र की लड़ाई देश में हम सब के लिए लड़ रहे, आज वो लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने वाले हमारे नेता आदरणीय राहुल जी गांधी आज 5 सितंबर की ये शिक्षक दिन के इस समारोह के लिए केवल सांगली की इस भूमि में हम सब के नेता आदरणीय पतंगराव जी कदम साहब के आज लोक तीर्थ ये मेमोरियल का आज अनावरण करने के लिए यहाँ पे उपस्थित है। आदरणीय राहुल जी, मैं मेरा सौभाग्य समझता हूँ कि आप सांगली की इस पवित्र भूमि में आए हैं। जिस तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज की लड़ाई इस भूमि से महाराष्ट्र में, पूरे हिंदुस्तान में लड़ी थी, और ये स्वराज्य जो है वो जनता का हमारा राज है, आम लोगों का राज्य है, उस तरह की लड़ाई आज हम देख रहे कि देश में आप लड़ रहे हैं, वो संविधान बचाने के लिए लड़ रहे, वो लोगों की लड़ाई लड़ रहे, और हमें यकीन है कि जिस तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज के माध्यम से एक हिंदुस्तान में स्वराज की लड़ाई की शुरुआत हुई थी, उस तरीके से आज आपके माध्यम से इस जो देश में हालात है, महाराष्ट्र में जो हालात है, आपकी प्रेरणा से, आपके नेतृत्व में, उसी की तरह की ये लड़ाई हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता और देश की जनता आपके नेतृत्व में लड़ाई लड़ेंगी। आदरणीय राहुल जी, आज मैं बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि भावनिक हूँ, क्योंकि पतंगराव जी कदम साहब ये कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही थे, यहाँ पे बैठे हुए मोहनराव कदम जी ये कांग्रेस पार्टी के सिपाही थे, इन्होंने 1960s
और 70s से कांग्रेस की विचारधारा से सांगली डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र में काम करने का शुरुआत किया। पंडित नेहरू, आदरणीय श्रीमती सोनिया, इंदिरा जी गांधी, आदरणीय राजीव जी गांधी, यहाँ इसी भूमि के जिसने जन्म लिया, स्वर्गीय यशवंतराव चौहान साहब, स्वर्गीय वसंत दादा, स्वर्गीय यशवंतराव मोहिते भाऊ, इन सब की प्रेरणा लेते हुए पतंगराव जी कदम साहब ने उनकी सार्वजनिक जीवन का प्रयास शुरू किया। आदरणीय सोनिया जी गांधी जी का और उनका एक उनका उनके साथ खड़ी रही, हमेशा उनके पीछे खड़ी रही। और जब भी कांग्रेस पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में बनी तो मैडम के माध्यम से, कांग्रेस पार्टी के माध्यम से पतंगराव जी कदम को महाराष्ट्र की लोगों की और जनता की सेवा करने का मौका मिला। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज जो स्थिति आप देख रहे हैं यहाँ पे इस तालुका में, इस कॉन्स्टिट्यूंसी पलूस कड़ेगा में, यहाँ की स्थिति एक जमाने में बहुत अलग थी। यहाँ पे अकाल की स्थिति थी। जब अकाल पड़ा तब आदरणीय श्रीमती सोनिया जी गांधी हमारे यहाँ इस किसान भाइयों को, लोगों को, उनके दुख के समय पे उनके साथ खड़ी रही। जब बाढ़ आई थी 2004 में और 19 में, उसी दौरान भी आदरणीय श्रीमती सोनिया जी गांधी में चार में सोनिया जी गांधी वापस यहाँ पे आई थी और हमारे लोगों के साथ खड़ी रही। आदरणीय श्रीमती सोनिया जी गांधी जी का और हमारे परिवार का, कांग्रेस पार्टी का, ये पिछले 60 साल का एक रिश्ता है। और मैं बताना चाहूँगा, जब मेरे पिताजी बीमार थे, जब सिर्फ उनको पता चला कि मुंबई के हॉस्पिटल में मेरे पिताजी बीमार है, और दूसरे दिन आदरणीय श्रीमती सोनिया जी गांधी पिताजी को मिलने दिल्ली से मुंबई आई थी और हमारे परिवार के साथ उन्हें वक्त बिताया था। ऐसा लग रहा था कि पिताजी सिर्फ उनकी राह देख रहे थे। जब मैडम आके चली गई, उसके दो दिनों के बाद मेरे पिताजी चल बसे। ये कहने का मतलब है राहुल जी कि आज इतना कांग्रेस पार्टी में उनका लगाव था, जब आप अध्यक्ष बने थे कांग्रेस पार्टी के, वो उनका आखिरी सफर था दिल्ली का, उसके बाद दिल्ली में कभी वो सफर नहीं पाए। आदरणीय राहुल जी, पिताजी का जन्म सीधे साधे किसान परिवार में हुआ। वो उस गांव के पहले 10वीं पास विद्यार्थी थे। खिसे में 7 रुपये लेके उन्होंने पुणे में जाने का साहस किया एक ट्रक में। 3 साल तक वो शिक्षक रहे और उसी स्कूल में रहते थे, दिन में एक बार खाना खाते थे। 1964 में छोटी सी रूम में उन्होंने भारतीय विद्यापीठ का एस्टैब्लिशमेंट किया और उनका एक ही सपना था कि ग्रामीण लोगों को, बच्चों को, किसानों को यहाँ पे इधर शिक्षा का माध्यम मिले। कई साल वो शिक्षा के क्षेत्र में काम करते रहे। लोगों का प्यार था, आशीर्वाद था, मोहब्बत थी सांगली के लोगों का, पलूस कड़े गाँव के लोगों का, और वह चलते बसे। आज आदरणीय इंदिरा जी गांधी, यशवंतराव चव्हाण, इन लोगों का, यशवंतराव मोहिते भाऊ का भी उनको बहुत सपोर्ट मिला और उसके माध्यम से वो राजनीति में जैसे आए तब यहाँ पे उनसे काम करते चले। मुझे कहना है कि 1978 में जब इंदिरा जी का कांग्रेस और कांग्रेस की स्प्लिट हुई थी, तब सांगली जिले से सिर्फ दो ही लोग इंदिरा जी गांधी के साथ खड़े थे और वो थे मोहनराव कदम और पतंगराव जी कदम। और ये हमारे परिवार का एक रिश्ता रहा है गांधी परिवार से और कांग्रेस पार्टी से। आज राहुल जी, मेरी हिंदी देने के मौका, आज पहली बार मैं आपके सामने हिंदी का भाषण कर रहा हूँ। यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष था तब मैं करता रहा। मैं इतना ही कहना चाहूँगा आज कि ये जो आज की रैली है राहुल जी, इस रैली के माध्यम से पूरे सांगली में नहीं, महाराष्ट्र में आज एक माहौल बनने वाला है। और जिस आप विरोधी पक्ष नेता बनने के बाद हम आपकी कड़ी मेहनत देखते हैं। आप भारत जोड़ो यात्रा चले, देश के गरीबों के साथ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, हमारे इन सांगली के भाइयों के साथ आप चले। इन सांगली के सब सारे भाई, हाथ उठाइए मेरे भाइयों और बताओ कि सब लोग आप राहुल जी के भारत जोड़ो यात्रा में आप उनके साथ चले थे। ये कहने का मतलब है कि पूरा देश, पूरा महाराष्ट्र आपके साथ खड़ा है। और ये जो लोकतंत्र की और ये जो संविधान की लड़ाई बचाने की आप लड़े हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ राहुल जी, उनको स्टेट फ्यूनरल दिया गया। उन्होंने, स्टेट के पुलिस लोगों ने मुझे भारत का झंडा दिया था। मेरी हालत नहीं थी, मेरी माँ थी, हमारे सब लोग थे वहाँ पे। मैंने भारत का झंडा लिया, लेकिन सिर्फ भारत का झंडा नहीं मिला। मैं जानता हूँ कि उस वक्त मेरे पिताजी ने कांग्रेस पार्टी का भी झंडा मेरे कंधे पे रखा और वो कांग्रेस पार्टी का झंडा लेते हुए आज आदरणीय श्रीमती सोनिया जी गांधी, खड़गे साहब और सबके साथ के और आशीर्वाद से मैं सांगली में काम कर रहा हूँ। मैं राहुल जी ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहूँगा। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आज यहाँ पे सगळे तुम्ही आज मोठ्या संख्येने उपस्थित राहिलात,
मी तुमच्या मनापासून आभार मानतो, हात जोडून मी तुमचा आभार मानतो की आज तुम्ही खरंच पतंगराव कदम साहेबांनी जे काम पंडा स्पर्श उभं केलं, जे शिक्षण क्षेत्रात उभं केलं, सार्वजनिक जीवनात उभं केलं, या महाराष्ट्रातल्या गोरगरिबांना, शेतकऱ्यांना, कष्टकऱ्यांना जे त्यांनी त्यांच्या जीवनामध्ये आधार देण्याचं काम केलं, आरोग्य क्षेत्र असेल, कृषी सिंचन ताकारी टेंबूच्या माध्यमातून असेल, या जिल्ह्याला जो त्यांनी आधार दिला, हा जिल्हा जो महाराष्ट्रात आणि हिंदुस्थानावर त्यांनी झळकवला, आज त्याची खरं पोचपावती तुम्ही सगळ्यांनी इथं दिलेली आहे. आदरणीय राहुलजी, जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं उतने से कई सारे रास्ते पे खड़े, वो सिर्फ आपको देखने आए हैं, आपको सुनने आए हैं, कि सब लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र का भविष्य और देश का भविष्य सिर्फ आप कर सकते. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. हमारे सब नेता गण आज यहाँ पे, मैं आदरणीय करके साहब का भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जो हमारे साथ हमेशा हमारे साथ रहे, परिवार के साथ रहे. उनका मार्गदर्शन पिताजी को भी था, आज पूरे आज कांग्रेस पार्टी को और मुझे एक यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप से मिल रहा है. आदरणीय पवार साहब, ये हमारे पिताजी के साथ और भारतीय विद्यापीठ और ये कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, मेरे कदम फैमिली के साथ हमेशा रहे. आदरणीय सुशील कुमार शिंदे जी, रमेश चेन्नीतला साहब और आदरणीय नाना पटोले जी और थोराज साहब, ये सब नेताओं का बहुत बहुत शुक्रिया मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि पिताजी के जाने के बाद इन सब नेताओं ने बहुत मुझे संभाला. थोराज साहब और नाना पटोले साहब, शिंदे साहब ने मुझे संभाला, सब नेताओं ने मुझे आधार दिया, बंटी पाटिल जी ने दिया, और ये सब नेताओं ने मुझे यहाँ पे आज ऐसी यहाँ पे लोगों की सभा करने की ताकत दी. आज ये जो भीड़ है, ये पूरी कांग्रेस पार्टी और यहाँ पे आपको गांधी फैमिली और पतंगराव जी कदम साहब को प्यार करने वाली भीड़ है, आप इस भीड़ को नमन करने के लिए, यहाँ पे इस भावना को आज रखने के लिए आज बड़ी यहाँ पे आए, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँ तुमच्या सगळ्यांचे. आज मी खूप म्हणजे तुमचे ज्या गोष्टीची आपण वाट आतुरतेने वाट पाहत होतो, मी तुमच्या खूप मनापासून आभार मानतो. खूप खूप प्रेम तुम्ही सगळ्यांनी साहेबांवर केलं, हेच प्रेम मला द्या. मी शपथ घेतो आज माझ्या वडिलांची की या पलूसकडे गावच्या आणि महाराष्ट्र आणि सांगलीच्या लोकांची, साहेबांच्या विचारवर आणि काँग्रेस पक्षाच्या विचारावर मी सेवा करत राहील, एवढंच आज या ठिकाणी सांगतो आणि माझे मनोगत थांबवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.